सैनिक। सैनिक जो हमको दिखता है नाटकों का, समर धुरंधर, धंस जाए शत्रु खेमे में सहास्य मुख, भवपाश तोड़कर, ताव मूछ पर देकर कहता, जन्मा कोई पूत माई का, सौ शत्रु की चटनी करता, फिर नेपथ्य देखकर हंसता। किंतु रेल में कभी दिखते बदरंग खाकी ड्रेस पहनकर, फटे दोने से दही बड़े खाने वाले, दोहा अभंग बिरहा कोई गाने वाले, ऐसा सैनिक जब मिलता है जम्हाई लेकर ड्यूटी का दुखड़ा रोता है। भली नौकरी क्लर्की की, ड्यूटी केवल कुर्सी की, तनख्वाह ओटी महीने की, गिनती नहीं कोई छुट्टी की। सैनिक पेशा कष्ट भरा है, डिसिप्लिन का बोझ बड़ा है, पत्नी बच्चे बरसों दूर, कहते गला भर्रा जाता है। ऐसा वीर रूप देखकर मध्यवर्गी श्रद्धा अपनी जो नाटक से सीखी हुई थी व्यथित होकर पूछने लगी, क्या सैनिक ऐसे भी होते? सच मानो तो सैनिक ऐसे ही होते हैं, परंतु जो हम नहीं जानते, नाटक के सैनिक का मरना नाटक केवल तालियों के लिए, वीरश्री से भरे शब्द जो वाहवाही के लिए जुटाए, पटाक्षेप के हो जाने पर वापस घर में खाए सोए। किंतु रेल का जो सैनिक है, हाथ भले ही दही बड़े का दोना हो, भले बात में कठिन ड्यूटी का रोना हो, घर आंगन को सोच नैन में पानी हो, जब अपना यह नून तेल का मुलुक छोड़कर जाता है, तोप टैंक तंबू की दुनिया का ही वासी होता है, तब ना रहती कोई जम्हाई कोई दुखड़ा, दूर देश के आप्तजनों का कोई बिरहा, बदरंग कवच रेल में जो था गिर जाता है, मूर्तिमंत पुरुषार्थ युद्ध में भिड़ जाता है। रेल का वही सैनिक तोपें दाग रहा है, आसपास की बमबारी में जाग रहा है, खंदक के पीछे जो साथी छिपा हुआ है उसके लिए रोटी का टुकड़ा बचा रहा है, शरीर छलनी होवे फिर भी अशरण बाहें ताने ऊपर, इस भूमि पर गिरने वाली नभ की छत को तोल रहा है।